हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्जुन राठौड़ और स्वागत है भाई आपका आज के इस वीडियो में। तो भाई आज अपने पास है अपाचे 164V HP एडिशन और होंडा की हॉर्नेट 2.0 और आज के वीडियो में करने वाले हैं इनकी बाइक ड्रैग रेस। तो देखते हैं भाई कौन सी बाइक विनर रहती है, तो आपको वीडियो में आगे देखने को मिल जाएगा। तो भाई पूरा वीडियो एंड तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, तो पूरा वीडियो एंड तक देखना। और चैनल पे फर्स्ट टाइम हो, पहली बार आप मेरा वीडियो देख रहे हो और आपको इस टाइप के बाइक के वीडियो देखना पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि इस टाइप के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और शुरुआत करते हैं आज की ड्रैग रेस। तो भाई स्टार्ट करते रेस को। मैं चला रहा हूँ हॉर्नेट और आदि चला रहा अपाचे। आगे निकल गई शुरू में, तो बाकी देखते हैं। अर्जुन कैप बना गया काफी। भाई टक्कर में है और ये अब अपनी आगे निकल रही है और अपाची 164V हॉर्नेट से आगे। वाह यार, इसमें काफी अच्छी पावर मिलती है उनको। तो भाई अभी राइडर चेंज कर लिया है, अभी मैं चला रहा हूँ अपाचे और आदि चला रहा हॉर्नेट। देखते हैं भाई क्या होता है। नहीं जा पाएगी अगर अर्जुन की बाइक थोड़ी प्लस जाती है 130 प्लस, तो वो आगे निकलेगा, वरना वो नहीं निकल पाएगा। तो मुझे लग नहीं रहा कि इस साइड अपाचे 130 प्लस जा पाएगी। 130 132 तक जा सकती है इस साइड अपाचे, क्योंकि हवा का दबाव है ना। तो भाई ये थर्ड अटेम्प्ट है और देखते हैं भाई इस बार क्या होता है। इस बार गियर शिफ्टिंग परफेक्ट रखनी है हमें।
क्योंकि इस साइड अपाची का दाव है। भी नहीं आ पाएंगे, क्या बात है। हाँ तो भाई, रेस ख़त्म करके अपन आ चुके हैं और यहाँ पे दोनों बाइक हैं, और इन दोनों बाइक में से कौन सी विनर क्यों रहेगी, ये हमारे, ये भाई ये वाला, ये तुम्हारा ना, राइडर व्हील अच्छे से क्लियर करेगा। मेरे को इतना अच्छा समझ में नहीं आया, भाई को समझ नहीं आया, नहीं मेरे को इतना समझ नहीं आया, इतना समझ नहीं आया। देख, हवा की जो डायरेक्शन है ना, अगर डायरेक्शन रेस होगी, जिस साइड की हवा है उस साइड रेस हो रही है, और वेट, राइडर का वेट सेम है, तो वहाँ पे अपाची के जीतने के चांस ज़्यादा है। और अगर हवा जो जिस साइड की हवा चल रही है उससे अपोजिट साइड रेस होगी, जिस साइड की हवा है उसकी अलग डायरेक्शन में, तो वहाँ पे हॉर्नेट के जीतने के चांस ज़्यादा बन जाते हैं, क्योंकि हवा का जो फर्क है वो हॉर्नेट पे थोड़ा कम पड़ता है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में मैंने जो टॉप स्पीड चेक किया, हॉर्नेट की 129 आई है, लेकिन उसकी टॉप स्पीड में फर्क दिख जाता है। वो हवा की साइड में लगभग 136-137 चली जाती है, और हवा के अपोजिट में 128-129 चली जाती है। हवा की अपोजिट में टॉप स्पीड तो सेम है, लेकिन इसमें टॉर्क ज़्यादा है, तो ये स्पीड जल्दी अचीव कर लेती है, जिस वजह से उसको आगे नहीं निकलने देती, हवा की साइड में निकल जाती है। भाई देखो, कुल मिला के समझ में आ गया कौन सी का जीतेगी, अभी कन्फ्यूजन है। तो मैं इतना कन्फ्यूजन में इतना बताता हूँ भाई, अगर आप में से कोई भी अगर शर्त लगा रहा हो तो पहले देख लेना हवा किस तरफ की चल रही है, और उसके बाद ही वह शर्त लगाना है। वैसे मोटा मोटा जो मेरे को समझ में आया, ये समझ में आया कि हवा की साइड में तो भाई वो जीतेगी अपाचे, और हवा के अपोजिट में यहाँ पे हॉर्नेट जीत जाएगी। बाकी यार डिपेंड करता है कि आपका वेट वगैरह क्या है, आपकी स्किल वगैरह क्या है, भी डिपेंड करता और आपकी स्किल कितनी अच्छी है, राइडर इसकी राइडिंग की जो स्किल होती है वो, और राइडिंग राइडर का वेट। हाँ, दो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।